हाँ जी किसान साथियों, मेरे फार्मिंग पैशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं महिंद्रा के शोरूम में। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से आने वाले इस टेक प्लस, जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी प्लस है उसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। कितने HP में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा, किस कीमत में आपको ये मिल जाने वाला है, उसकी आज सारी कंप्लीट रिव्यू वीडियो आपको मिलने वाली है। तो वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बने बेल नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक करके आने जरूर कर लीजिएगा। फ्रंट से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको देखने को मिलने वाला है महिंद्रा का जो 3D कटिंग वाली डिजाइन के साथ, इसका महिंद्रा की तो के लिए एक क्रोमिंग सी स्लीक सी डिजाइन आपको देखने को मिलने वाली शो के ऊपर, और फ्रंट में आपको हेलोजन टाइप की हेडलाइटें देखने को मिलने वाली है। इसकी ग्रिल की हम बात करें तो इसकी ग्रिल जो इसके खूबसूरती को एक अलग सा लुक प्रदान कर देने वाली है, इसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देने वाली है। काफी बड़े साइज की ग्रिलें आपको मिलने वाली है जिसके माध्यम से जो हवा का सर्कुलेशन है इंजन के ऊपर प्रॉपर तरीके से बना रहेगा, और जिसके वजह से आपका इंजन कभी भी हीट नहीं होने वाला है। अगर हीट नहीं होगा इंजन तो इसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़ चढ़ कर मिलने वाली है। फ्रंट एक्सल की हम बात करें तो नॉन एडजस्टेबल टाइप का फ्रंट एक्सल जो कि हैवी ड्यूटी मिलने वाला है, और डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ ये ट्रैक्टर जो है देखने को मिल जाएगा। फ्रंट टायर की हम बात करें अपोलो का 750/16 रेड टायर आपको 14/28 का देखने को मिलने वाला है। चार सिलेंडर के साथ जो इसका बॉस का इनलाइन पंप है वो मिलने वाला है इस ट्रैक्टर के अंदर। और इसके HP की हम बात करें किसान भाइयों तो लगभग 50 HP 2180 CC 2100 इंजन रेटेड RPM पर ये अपनी पूरी पावर 36.75 किलोवाट की प्रोड्यूस कर देने वाला है। इसके फिल्टर की हम बात करें तो ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिल जाएगा विद चोकिंग सेंसर के साथ। इसके पंप फ्लो की हम बात कर ले तो 30 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये तेल का छिड़काव कर देता है। अब इसके गियर बॉक्स की हम बात कर ले किसान भाइयों तो इसके अंदर फुली कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है जो कि 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। किसान भाइयों इसके फॉरवर्ड स्पीड की हम बात कर ले तो 1.47 से लेकर के 32.17 किलोमीटर की इस फॉरवर्ड स्पीड आपको रोड पर मिलने वाली है। रिवर्स स्पीड आपको 1.96 से 11.16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसके पीछे की तरफ स्पीड मिलने वाली है। और इसके ब्रेकों की हम बात करें तो आयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगी। PTOHP आपको इसके अंदर काफ़ी भारी भरकम मिलने वाली है जो कि अभी हम बाद में बताएंगे आपको किसान भाइयों। और इसके हाइड्रोलिक की भी बात हम करने वाले हैं, वारंटी और गारंटी की भी बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों आप लोग देख सकते हैं बॉस का इनलाइन पंप चार सिलेंडर के साथ इसके अंदर लगाया गया है। एडवांस इंजन इसके अंदर काफी कॉम्पैक्ट साइज का देखने को मिलने वाला है। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट आप लोग देख सकते हैं। चोकिंग सेंसर यहां पर लगाया गया है। इसका रेडिएटर आपको एल्यूमिनियम टाइप का काफी बड़ा रेडिएटर जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जाली के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ ये रेडिएटर आपको कंपनी फिटेड मिलने वाला है। और किसान भाइयों इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात कर ले तो आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाली टंकी आपको देखने को मिलने वाली है। सेल्फ मोटर की हम बात करें 2.5 किलोवाट की और 40 एम्पियर वाला इसके अंदर अल्टरनेटर आपको देखने को मिलने वाला है। और साइड में ही आपको किसान भाइयों टूल बॉक्स जो कि लोहे का मिलेगा। और साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर महिंद्रा योटेक प्लस 585 DI की जो बैजिंग है वो देखने को मिलने वाली है। वहीं नीचे की तरफ SL IPTO डुअल क्लच की जो स्टिक रिंग है वो देखने को मिलने वाली है। और टंकी के ऊपर आपको 6 साल की वारंटी वाला स्टीकर देखने को मिलने वाला है। कंडीशन अप्लाई इसके अंदर, इसके बारे में मैंने आपको डीलर से भी जानकारी दिलवाई है। आपको उस वीडियो को देख करके इसकी वारंटी के बारे में आप जान सकते हैं किस चीज़ पर कितने दिनों की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी।
तो किसान भाइयों चलते हैं ट्रैक्टर के दूसरी ओर, वहीं पर आपको हम दिखाते हैं इसके अंदर डुअल पंप टेंडम पंप जो कि हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग के लिए यहां पर देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों इसके अंदर जो आयल है यहां से भरा जाता है और बैटरी आपको साइड में जो कि एक अलग डिजाइन में देखने को मिलने वाली है, काफ़ी प्रॉपर तरीके से उसको पैक कर दिया गया। काफ़ी बड़ा इसके अंदर ट्रांसमिशन जो ऑयल है उसको फिल्टर करने के लिए काफ़ी बड़ा फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हैं और बताते हैं आपको, दिखाते हैं इसके प्लेटफॉर्म को और इसकी आवाज़ भी मैं सुनवाऊंगा। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और इसके प्लेटफॉर्म की हम बात करें सिंगल फुट स्टेप के साथ हल्का सा बम्प जो कि ना के बराबर आपको हल्का सा बम्प देखने को मिल सकता है। और किसान भाइयों इसके सीट की हम बात करें तो डीलक्स टाइप की जो सुपर डीलक्स है सीट इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड मिलने वाली है, जो इसको आप अपने वेट और हाइट के अकॉर्डिंग आगे पीछे ऊपर नीचे आसानी के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। काफ़ी मजबूत फेंडर लगाए गए हैं इसके अंदर और बैक रेस्ट के साथ इसके अंदर जो फेंडर है वो देखने को मिलने वाला है। चलते हैं इसके ऊपर की तरफ, बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है फुली डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। वहीं स्टीयरिंग की हम बात कर लें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की स्टीयरिंग जो कि महिंद्रा की ब्रांडिंग आपको यहाँ स्टीयरिंग के जस्ट बीचों बीच में देखने को मिलने वाली है। कॉम्बिनेशन स्विचें आपको मिलने वाली हैं जिसको आप आसानी के साथ, डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो वही कारो जैसी फीलिंग देने वाला डैशबोर्ड इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। फुली डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। काफ़ी तरह की ब्लिंकेशन लाइटें इसके अंदर लगाई गई हैं। अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत आती है या कभी आपका रेडिएटर चोक हो जाता है तो उसकी सूचना आपको डैशबोर्ड पर ही मिल जाने वाली है। अब बात करें इसके मेनली फीचरों के बारे में तो किसान साथियों इसके अंदर 12 वोल्ट का जो है मोबाइल चार्जर लगाया गया है और मोबाइल होल्डर भी आपको यही डैशबोर्ड पर ही देखने को मिलने वाला है, जिसको आप आसानी के साथ इसके अंदर चार्जिंग लगा करके रख सकते हैं और गिरने और टूटने फूटने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डुअल क्लच के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट पीटीओ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपके जस्ट ड्राइवर के रीच में ही देखने को मिलने वाली है। और चार तीन रिवर्स आप इस ट्रैक्टर से प्राप्त कर पाएंगे। सभी तरह की पीटीओ इसके अंदर मिलने वाली है, रिवर्स पीटीओ, एसएल पीटीओ, गियर पीटीओ, सारी पीटीओ आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके व्यू की। आप लोग प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं किसान भाइयों, काफ़ी स्पेशियस प्लेटफॉर्म और काफ़ी खुला डुला प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और डिफरेंशियल लॉक भी इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने वाला है। ऑक्सिलरी वाल्व वहाँ जिसको ऑपरेट करने के लिए एक लीवर यहाँ पर सीट के जस्ट नीचे लगाया गया है, पीसीडीसी लीवर आपके रीच में ही मिल जाएगा। ब्रेक जो हैंड ब्रेक है उसकी उसका लीवर यहीं साइड में ही आपको मिल जाने वाला है। बैक एंड की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं पीछे का हिस्सा जो इसके रियर एक्सल की हम बात करें, प्लेनेटरी ड्राइव वाला रियर एक्सल स्ट्रेट टाइप का देखने को मिलने वाला है। और हाइड्रोलिक की कैपेसिटी की हम बात करें 1700 किलोग्राम कैपेसिटी के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। अब इसके पीटीओ एचपी की बात करें तो किसान भाइयों 45 एचपी की इसकी पीटीओ एचपी मिलने वाली है और डबल क्यूआरसी कपलर के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा जो कि कंपनी फिटेड ही आपको मिलने वाली है। अलग से कोई भी खर्चा इसके अंदर नहीं करना पड़ेगा आपको। इस ऑक्सिलरी वाल्व को ऑपरेट करने के लिए वहीं जस्ट सीट के नीचे आपको एक लीवर मिल जाएगा, जिससे आप ट्राली और लेजर लैंड लेबलर रिवर्स एमवी प्लाऊ आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। वहीं पीछे की तरफ आपको कॉम्पैक्ट साइज की हैलोजन टाइप वाली वर्क लैंप मिलने वाली है। काफ़ी छोटी साइज की आपको बैक लाइटें जो फेंडर के ऊपर ही लगाई गई हैं वो देखने को मिल जाएगी। कंपनी फिटेड बम्पर आप लोग देख सकते हैं, लगभग 1 क्विंटल के आसपास का ये वेट है वो मिलने वाला है। टॉप लिंक होल्डर मिल जाएगा और किसान भाइयों इसके अंदर सीट के पीछे आपको बोतल होल्डर और उसी के जस्ट पीछे रिफ्लेक्टर लाइट का ऑप्शन प्रोवाइड
करवा दिया गया। इसके प्लेट की हम बात करें, प्लेट आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा टेक प्लस 585 DI, सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। मैक्स PTO पावर जो किलोवाट में है 33.9 और HP में 45.4 हॉर्स पावर की PTO इसके अंदर मिलने वाली है। SFC की हम बात करें 242 किलोग्राम की SFC मिलने वाली है। और किसान भाइयों, इसके टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क आपको 197 के आसपास का टॉर्क न्यूटन मीटर के हिसाब से मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके, किसान साथियों कहां से आप खरीद सकते हैं इस ट्रैक्टर को। इसके कीमत की अगर हम अंदाज़ा ले तो आपको ये रेट में अमेठी डिस्ट्रिक्ट का ही बता रहा हूं, जगदीशपुर के अंदर ये AS ट्रैक्टर के नाम से शोरूम अभी हाल ही में ओपनिंग हुई है इसकी, और यहां पर आपको लगभग 8,60,000 रुपये के आसपास के रेट में ऑन रोड कीमत में ये ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। उनका नंबर अगर हम पा देंगे और वहां से आप नंबर नोट डाउन करके इनसे बात करके इस ट्रैक्टर का डेमो ले सकते हैं, इस ट्रैक्टर को आसानी के साथ खरीद सकते हैं। और किसान भाइयों, इनका मोबाइल नंबर है 9140194048, दूसरा नंबर है 6393069933। तो इन नंबरों पे आप बात करके इस ट्रैक्टर की रेट ले सकते हैं, इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर को 17 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से ये रोड के ऊपर इसकी स्पीड होने वाली है, और रिवर्स स्पीड आपको 1.96 से लेकर के 11.16 किलोमीटर की इसके अंदर रिवर्स स्पीड मिलने वाली है। स्विच करता हूँ ऑन और मार देता हूँ इसका सेल्फ ड्राइव, आप लोग को आवाज़ इसकी सुनवाने की कोशिश करें तो आप लोग आवाज़ इसकी सुन सकते हैं। आवाज़ एकदम काफ़ी, मतलब कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं मिलने वाली, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, और इसका रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको किसी भी तरीके का ना EGR मिलने वाला है और ना ही कोई टर्बो देखने को मिलने वाली है। तो किसान साथियों, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसके अंदर देखने को मिल जाने वाला है। यही थी आज की वीडियो किसान भाइयों, वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान साथियों।